दोस्तों, हमारे बॉलीवुड में रेप यानी बलात्कार पर बहुत सारी फिल्में बनी आई है और ये सदियों से बनती आई है। लोगों के द्वारा भी इसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया जाता है। आज के इस सीरीज में मैं आपको कुछ बेहतरीन रेप पे बनी फिल्म बताने वाला हूँ जो कि बॉलीवुड की है और जो बलात्कार पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारी फिल्में ज़्यादा पुरानी तो नहीं है और साथ ही जो फिल्में YouTube पर अवेलेबल होगी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से इसको देख पाएंगे। नंबर 5 पे जो फिल्म आती है फ्रेंड, जिसका नाम है भूमि। फिल्म को 2017 में रिलीज किया गया था। फिल्म को 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। इस फिल्म को उमंग कुमार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त, शरद केलकर और आदिति राव हैदरी देखने को मिले थे। फिल्म की कहानी भी एक रेप यानी बलात्कार पे बेस्ड थी। इस फिल्म में आदिति राव हैदरी, जो कि संजय दत्त की बेटी बनी हुई है, और उसके साथ कुछ ऐसा कांड हो जाता है जहां पर उसको रेप का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म की स्टोरी काफी अच्छी है, अगर आपने मिस कर दी है तो एक बार जरूर से देखिएगा। नंबर 4 की जो फिल्म आती है जिसका नाम है आक्रोश। फिल्म को 2010 में रिलीज किया गया। फिल्म की रेटिंग काफी अच्छी है। इस फिल्म को 7 out of 10 की रेटिंग दी गई है। फिल्म में आपको अजय देवगन, अक्षय खन्ना, परेश रावल, पंकज त्रिपाठी इत्यादि कलाकार देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की कहानी की बात करें फ्रेंड्स, तो फिल्म की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां पर कुछ CBI के ऑफिसर जांच करने के लिए जाते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है फ्रेंड्स, फिर पता चलता है कि एक लड़की होती है जिसका बलात्कार करके मंत्री का बेटा भाग गया रहता है और वहां की पुलिस भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन CBI उसकी कैसे इंक्वायरी कर पाती है, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है फ्रेंड्स। अगर आपने मिस कर दिया तो आप जरूर से वॉच कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 4 पे जो फिल्म आती है फ्रेंड, जिसका नाम है मर्दानी 2। इस फिल्म को 2010 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो इस फिल्म को गोपी पथरन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में आपको रानी मुखर्जी और विशाल जेठावा देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी काफी अच्छी है फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक साइको फिल्म भी आप इसको बोल सकते हैं। फिल्म की कहानी ये होता है फ्रेंड्स कि एक बच्चा, एक लड़का होता है जो कि थोड़ा सा साइको होता है, वो लड़कियों को किडनैप करता है, उनके साथ रेप करता है, फिर उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देता है यानी मर्डर कर देता है। रानी मुखर्जी जो कि एक पुलिस बनी हुई है, अब वो कैसे उस साइको को फाइंड करती है और उसे मारती है, ये सारा चीज इस फिल्म में दिखाया गया है। अगर आपने ये फिल्म मिस कर दी है तो एक बेहतरीन फिल्म है, आप वॉच कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो फिल्म आती है फ्रेंड, जिसका नाम है सिम्बा। फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में आपको रणवीर सिंह, सारा अली खान, सोनू सूद और एक छोटे से अपीयरेंस में अजय देवगन भी देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और ये भी एक बलात्कार पे बनाई गई मूवी है। यह फिल्म एक साउथ फिल्म की रीमेक है जिसका नाम है टेम्पर। उस फिल्म में आपको जूनियर NTR देखने को मिले थे। आई थिंक आप सब ने यह फिल्म देखी होगी तो इस फिल्म की कहानी बताने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे एक बार जरूर से देखिएगा, आपको ये पसंद जरूर आएगा। इस लिस्ट के दूसरे नंबर की जो फिल्म है जिसका नाम है छपाक। फिल्म को 2020 में ही रिलीज किया गया था और इस फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में आपको दीपिका पादुकोण के साथ विक्रांत मासे देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी एसिड अटैक हुई लक्ष्मी अग्रवाल पे बेस्ड है। ये एक रियल इंसिडेंट पे बनी फिल्म है। फिल्म काफी अच्छी है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। इस फिल्म को 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो फिल्म आती है जो कि मेरा फेवरेट फिल्म है फ्रेंड, जिसका नाम है काबिल। इस फिल्म को 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है IMDb की तरफ से। इस फिल्म को संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में आपको ऋतिक रोशन के साथ यमी गौतम और रौनित रॉय देखने को मिलेंगे। फिल्म की कहानी की बात करें फ्रेंड्स, तो दो लोग होते हैं, दोनों अंधे होते हैं, हीरो और हीरोइन दोनों अंधा होता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है फ्रेंड कि जब वो लोग शादी करते हैं उसके एक दिन बाद ही लड़की का रेप हो जाता है। अब एक अंधा लड़का कैसे लोगों को फाइंड करता है और उन्हें मारता है, ये फिल्म में दिखाई गई। ये फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिली है। अगर आपने ये फिल्म मिस कर दी है तो डेफिनेटली वॉच कीजिए। ऐसे तो इस सीरीज में काफी सारे फिल्में बनी हैं, लेकिन ये कुछ बेहतरीन फिल्में थी जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप और भी ज्यादा मूवीज जानना चाहते हैं इस सीरीज में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पे मैं नेक्स्ट एपिसोड बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।